मेहता का उल्टा चश्मा। बोलो बंद अकल का ताला, हर कोई यहाँ मतवाला, आपस में दोस्त कहलाता, ये गोकुलधाम है मिनी इंडिया, प्यार मोहब्बत भाईचारे का पता। मत करो भाई, मत करो तुम आपस में, दिन तक 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 था, दिन तक 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 था, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, दिन तक 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 था, दिन तक 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 था। वाह चाचा जी वाह, क्या गाना सुनाया आपने, वाह बहुत। चाचा जी हर चीज में नुकसान हो रहा है ना, इसलिए तो क्या अपने दिमाग का संतुलन खोकर दिमाग का भी नुकसान करेगा? नहीं, मोबाइल संभाल के रखना चाहिए था ना। हाँ, चीजों के नुकसान के लिए घर वालों की शांति का नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे माधवी बेटी के सामने क्या देख रहा है भिंडी मास्टर, मुझे सब पता है। ये सरासर गलत है भिड़ू। ए भिड़ू वाली सोड़ी, तू कुछ कम नहीं है? मैं की कीता? टेंशन के नाम पर तुझे पार्टी शार्टी कर रही। रोशन? हाँ तो? और रोशन बेटी अगर मना करे तो छोटे बच्चे की तरह रूठ कर बैठ जाता है। हाँ। ए, छोड़ी तू बच्चों की तरह रूठ जाता है, ये गलत है छोड़ी। ए मैथुस, तू तो रहने ही दे भाई। अरे मैं तो तुझे कितना समझदार समझता था, लेकिन इस परिस्थिति में तेरी समझदारी ने भी घुटने टेक दिए। ए भाई, पगार में कटौती हुई है उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मन की शांति में भी कटौती कर दे। अरे भाई सब ठीक हो जाएगा तो पगार भी बढ़ जाएगी, तू इतने भी धीरज नहीं रख सकता। चाचा जी ये सब आपको कैसे पता? मुझे सब पता है, और तूने जो वो सूप फेंका था ना उसके छींटे मुझ तक उड़े थे। अरे बैठ, अरे बैठ, मैं दादा आपको खाने का ऐसा इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ए आईएलडी तू तो चुप ही रहे, तू तो बहुत भूला भाला बन रहा है। अरे तू तो अपनी ही बुद्धि और क्षमता का अपमान कर रहा था। अरे भाई माना कि ये बीमारी पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है, लेकिन उसके इलाज और उसकी दवाई पे भी उतनी तेजी से काम चालू है। तू तो ऐसे रो रहा है जैसे पूरी दुनिया इस बीमारी की दवाई के लिए सिर्फ तुझ पे ही उंगली उठा रही है। तुझे सब छोड़ छाड़ के गाँव जाके खेती करनी है ना? यार भाई आप गांव में शिफ्ट होने का सोच रहे थे बबीता जी के साथ में? गांव में? यार भाई खेती में कितनी मेहनत करनी पड़ती है कुछ अंदाजा है आपको? और बबीता जी के बारे में तो सोचो, भरी दोपहर में आपके लिए खेत में खाना लेके आएंगे तो उनके पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे? नहीं चुभेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि बबीता चप्पल पहन के आएगा ना। अरे यार भाई खेत में इतने बड़े बड़े नुकीले कांटे होते हैं जो जूते चप्पलों के भी आर पार हो जाते हैं। मालूम है। अरे मालूम है फिर भी धरा हार आपको गाँव जाना है? अरे यार भाई वहाँ कड़ी धूप में मेहनत करनी पड़ेगी। जेठालाल मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं जाने का सोच रहा था। अरे तो ऐसा बोलो ना भाई। चलो आज ये क्या बात हुई है यार भाई, जरा सी तकलीफ पड़ी तो कोई गांव में जाने का सोचता है भला? ये भाई भला अयड़ी को क्या बोल रहा है, तू भी कुछ कम नहीं है? पूरा दिन दुकान और काम का टेंशन लेके घूमता रहता है। जरा सोचो ऐसी परिस्थिति में भी हम दूसरों से अच्छा जीवन जी रहे हैं, हमारे पास रहने के लिए खुद का घर है, खाना है, समय पसार करने के लिए टीवी है, मोबाइल है। अरे जरा उन लोगों को देखो जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाना नहीं है, अपने घर पहुंचने के लिए कितने दिन भूखे प्यासे गर्मी में चल के जाना पड़ता है। तुम सबको पता है
एक लड़की तो अपने पिताजी को अपनी साइकिल पे बिठा के 800 किलोमीटर का प्रवास करके अपने गांव पहुंची थी, लेकिन फिर भी वो थकी नहीं, निराश नहीं हुई। वो लोग ऐसी परिस्थिति में भी एक दूसरे का सहारा बन रहे, और तुम हो कि तुम लोगों को लड़ना है, झगड़ना है। अरे रोज कमाकर रोज खाने वाले लोग तो बिना पैसों के जी रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो लोग तुम्हारी तरह लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे होंगे। वो लोग इस उम्मीद पे होंगे कि ठीक है, ये दिन भी निकल जाएंगे, अच्छा समय फिर आ जाएगा, और तुम लोग, तुम लोगों से थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। दिमाग का संतुलन खोकर लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? चाचा जी, वेरी सॉरी, माफ कर दीजिए हमें, प्लीज। सॉरी चाचा जी, माफ कर दीजिए, सॉरी सॉरी पुलचुक, माफ चाचा जी। अरे सॉरी मुझे मत बोलो, अपनी अपनी पत्नी से सॉरी बोलो। सॉरी रोशन माधवी, सॉरी सॉरी बबीता, सॉरी। इट्स ओके। सॉरी अंजलि, मैं गुस्से में अपना आपा खो बैठा था, वेरी सॉरी। अरे तुम सब लोग मायूस होकर अपना गुस्सा अपनी पत्नी पे निकालते हो, अरे जरा सोचो कि आज घर की महिलाओं के लिए काम कितना बढ़ गया है, उनको गुस्सा नहीं आता होगा? चाचा जी आपने बिल्कुल सही कहा, एक दृष्टि से देखा जाए तो घर की महिलाएं कोरोना फाइटर से कम नहीं है। सही बात है, कोरोना एक बीमारी है, हमें इस बीमारी से लड़ना है, ना कि उसके चक्कर में अपना मानसिक संतुलन खोना है। बराबर, यानी बिल्कुल सही कहा हाथी भाई आपने, हमने ना परिस्थिति का स्वीकार नहीं किया तो टाई की तरह गले में बांध लिया। बिल्कुल, आज से हम तय करते हैं कि हम पूरे धीरज, धैर्य और समझदारी से काम लेंगे। हाँ बापूजी, बस बस अब इतना याद रखो कि ये समय भी बीत जाएगा, है? बिल्कुल बिल्कुल, चलो अभी सब लोग कसम खाओ कि कैसी भी परिस्थिति की परेशानियों को हमारे बीच नहीं आने देंगे। हम कसम खाते हैं, नहीं आने देंगे। तो चलो अभी सब लोग फिर से गाओ, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। दिन तक 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 तक, दिन तक 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 तक, मिलकर रहेंगे, मिलकर रहेंगे, हंसकर कहेंगे, हंसकर कहेंगे, अरे टूटे ना ये नाता, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। दिन तक 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 तक, दिन तक 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 तक, जीत का जुनू तुम ही हो, हद तुम ही हो हार की, क्या कहूँ तुम्हें, तुम ही हो परिभाषा प्यार की। जीत का जुनू तुम ही हो, हद तुम ही हो हार की। ऐसे क्या देख रहे हो अंजलि? कुछ नहीं लेखक महोदय, सुबह ही सुबह आपको इतने पॉजिटिव मूड में काम करता हुआ देख के अच्छा लग रहा है ना? मूड तो पॉजिटिव है, अच्छा मूड है, तो मुझे लगा कि भाई मेरी सबसे अच्छी दोस्त कौन है। अरे अंजलि तुम तो जिंदगी हो भाई। मेरी सबसे अच्छी दोस्त किताब है, तो मुझे लगा इन किताबों को जरा संभाल लूं, इनकी देखभाल हो जाएगी, और फिर इससे एक अपरोक्ष फायदा भी है। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। हाँ वो तो मुझे पता है। पता है? हाँ पता है, मतलब इनडायरेक्ट फायदा क्या है? इनडायरेक्ट फायदा ये है अंजलि कि मुझे इतने पॉजिटिव मूड में काम करते हुए देख के मेरी अंजलि मुझसे इम्प्रेस हो जाती है, और देखो हो गई, कितने प्यार से देख रही है मुझे। हाय मेरी क्यूटी पाय, वैसे पत्नी को इम्प्रेस कैसे करना है ना, कोई आपसे सीखे, है ना, है ना? आप तो, मैं सोचता हूँ इस विषय पे किताब लिख दूं, पत्नी को इम्प्रेस करने के 100 तरीके। हाँ ये सही रहेगा, पर अपनी पत्नी को ही ना। नहीं भाई देखो ऐसा तो नहीं होता ना, दूसरों की पत्नी को भी तो इम्प्रेस होना चाहिए ना। अरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरों की पत्नी को उनके पति ही इम्प्रेस करेंगे, लेकिन तरीका तो मेरी किताब से सीखेंगे ना। हाँ बिल्कुल सही, तो फिर आप शुरू कीजिए। ये क्या टाइटल था? पत्नी को इम्प्रेस करने के 100 तरीके।
हाँ तो फिर आप ये किताब लिखना अभी के अभी शुरू कर दीजिए और मैं इन किताबों को ठीक करती हूँ। अरे अरे अंजलि 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 भाई क्या यार, मैं कर दूंगा ना, तुम वैसे इतना काम कर रही हो, फिर ये काम भी नहीं, मैं कर दूंगा, सब कर दूंगा, चिंता मत करो बिल्कुल। अरे बाप, मैं क्या देख रही हूँ, इतना परिवर्तन घर के काम करने के लिए। हाँ, मुझे तो लगता है ये त्योहार का तो जादू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अंजलि, तुमने बिल्कुल सही कहा। त्योहारों की तो बात ही अलग होती है, त्योहार आने लगते हैं और आदमी का मूड वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है, और नवरात्रि मजा आ जाएगा। बिल्कुल, नवरात्रि ना गोकुल धाम में खुशी और आनंद लेकर आती है। मैं तो नवरात्रि खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। Yes, sir, even I'm very excited about it. पर पता नहीं इस बार कोरोना की वजह से गोकुल धाम में नवरात्रि कैसे होगी। बबीता, कब से मैं भी यही सोच रहा हूँ। हर साल इस वक्त नवरात्रि मनाने के लिए पूरे गोकुल धाम वाले एक साथ जुड़ जाते हैं ना तैयारी में। हाँ, और हम लोग कितना धूमधाम से नवरात्रि मनाते हैं। मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। आज चांद और चांदनी, कहते हैं झांझर से राग और रागिनी। खेले है रात आज चांद और चांदनी, कहते हैं झांझर से राग और रागिनी। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे पे घूमता आज गोकुल धाम है। अगर स्पीकर्स खराब हो गए तो क्या हो गया, हमारे पास खुद के पर्सनल स्पीकर्स है। बोलो अम्बे मात की जय। अरे शुरू करो, म्यूजिक शुरू करो। गरबे पे घूमता आज गोकुल धाम है। अपनों के साथ में खुशियां तमाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। एक साथ एक ही ताल पर नाचते हुए गाते हुए झूमते हुए कितना मजा आता है। ओ बबीता जी के रूप की बात क्या की जाए, इनको देख के चांद भी होए बदले में छुप जाए। लाल सनेड़ो 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 लाल लाल सनेड़ो, सनेड़ो 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 लाल सनेड़ो, सनेड़ो सनेड़ो लाल लाल सनेड़ो। नवरात्रि एक साथ मिलकर मनाने में ना बहुत अच्छा लगता है। We are not your orchestra. पिछड़ा क्या बोल रही है? क्या क्या बोला? अरे ये लोग बोल रहे कि ये नाचो ऑर्केस्ट्रा है। क्या? क्या? बका फैलो मोकलिंग। बका फैलो यस, मोकली विल नो। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसी यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसी यहाँ राधा
जान है। गर्व घूमता आज गोकुल धाम है, गर्व घूमता आज गोकुल धाम है, गर्व घूमता आज गोकुल धाम है, गर्व घूमता आज गोकुल धाम है। पर पता नहीं इस बार गोकुल धाम में नवरात्रि होगी भी या नहीं होगी, और होगी भी तो कैसे होगी। अरे बबीता होगी क्यों नहीं होगी, हाँ लेकिन हर साल जैसा होता है वैसा नहीं होगा। अभी हमारा एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े भी यही सोच रहा होगा। जो भी है, इतना पक्का है कि गोकुल धाम की नवरात्रि जैसी भी होगी ना, अलग ही होगी। क्या आहो आहो, नवरात्रि के बारे में सोचते सोचते सो भी गए। अहो पतिदेव उठा। शिक्षक महोदय उठा चाह गया। गोकुल धाम के एक महीने सेक्रेटरी उठा। कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। काय करते हैं, कौन आया था अभी? अब्दुल भाई आपके चिल्लाने से चले गए। कहते अरे अब्दुल, अब्दुल भाई ना हाँ बड़े भाई, आप इतने जोर से चिल्लाए कि मैं डर गया था। बता दू क्या हुआ? कशाला मैं ही बता देती हूँ ना। कायजल अब्दुल भाई ये सो रहे थे और मैं कब से इनको उठा रही हूँ, लेकिन उठे नहीं रहे थे, तो मैंने इनको ऐसे हल्का सा कप का चटका दिया तो इतना चिल्ला है। अब रसोई में खाना बनाते हुए मुझे इतने चटके लगते हैं, आपने मेरी चीख सुनी है कभी? मैंने मतलब आपने। माधवी मैं सो रहा था और ऐसे में अगर तुम मुझे चटका दोगी तो मैं तो चिल्लाऊंगा ही ना। पर आप नवरात्रि के बारे में सोच रहे थे ना, तो अचानक सो कैसे गए? ये अब्दुल की वजह से। मैंने क्या किया? अरे भाई तुम आने वाले थे और तुम आए नहीं थे, तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंख लग गई। हाँ तो बताइए ना कि नवरात्रि के बारे में क्या सोचा है? इस कोरोना के टाइम में गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि कैसे होगी? मैं तो सोच रहा हूँ कि होगी भी कि नहीं। ओ शुभ शुभ बोला दोगजड़ा, नवरात्रि तो होनी चाहिए गोकुलधाम में, कैसे भी करके नवरात्रि होगी ही। हाँ और त्योहारों को मनाने से ही लोगों के जीवन में खुशी आती है, और इस बार तो सबको खुशियों की ज्यादा जरूरत है। मगर नहीं, मैं समझ सकता हूँ, नवरात्रि तो मनानी ही चाहिए, बस चिंता इस बात की है कि वो फीकी फीकी ना। और भिड़े भाई माहौल देखकर ऐसा लगता नहीं है कि इस बार नवरात्रि में ज्यादा मजा आएगा? नहीं नहीं अब्दुल, भले इस बार नवरात्रि धूमधाम से ना हो, लेकिन हमें ये सोचना है कि उसमें मजा उतना ही है जितना हर साल आता है। हाँ बरोबर है शाबाश। फिर तो भिड़े भाई प्लानिंग और जोरदार करनी पड़ेगी, लेकिन जो भी करना हो वो जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। हाँ वो तो है। एक काम करते सब घर पे ही है, सोसाइटी मीटिंग बुलाते और उसमें तय करते। तुम एक काम करो, सबको बोलो कि 5 बजे सोसाइटी की मीटिंग है, तैयार रहना। हाँ ये अच्छा। मीटिंग कहाँ रखे, क्लब हाउस में? नहीं भाई क्लब हाउस में नहीं रख सकते, वो दिन गए। वैसे भिड़े भाई आप लोग रात को मेरी दुकान पे सोडा पीने के लिए आते थे, कितना मजा आता था ना। अरे हाँ अब्दुल क्या दिन थे वो। हो। सब यार दोस्त हमारी दुकान पे मिलते थे, शेरो शायरी होती थी, मस्ती मजाक होता था, अतरंगी बातों का दौर चलता था, और ऊपर से तुम्हारी मसालेदार सोडा, आहा दिन भर की थकान दूर हो जाती थी कुछ समय के लिए सही, लेकिन घर की किटकिट से मुक्ति मिल जाती थी। हैं? काय मडला तुम्ही? घर की काय? किटकिट। अरे तुम शब्दों पे मत ध्यान दो, घर की किटकिट मतलब ऐसे टेंशन परेशानी, ये बोल रहा हूँ मैं। अभी आप बात मत बदलिए, आपको यही कहना था घर की किटकिट। क्या किटकिट होती है, मतलब ये शब्द का खेल नहीं है, आपको आपके ताली कसती देतो है। मुझे लगा आपने ताली मांगी।
नहीं नहीं अब्दुल भाई, इन्होंने ताली नहीं मांगी आपसे, इनको ये कहना था कि आप बीच में कुछ बोलो ताकि मैं शांत हो जाऊँ। बस हाँ तो अभी बोलता हूँ ना। भीड़ भाई मीटिंग कहाँ रखनी है? तुम एक काम करो, सबको बोल दो कि अपनी अपनी बालकनी में आ जाए ठीक 5 बजे, और तुम माइक और स्पीकर लेकर कंपाउंड में रेडी रहना। हाँ ये ठीक रहेगा। अब्दुल भाई चाय पीकर जाइए ना। हाँ चाय पी के जाओ। हेलो नहीं नहीं नहीं, ये चाय आपके लिए है, ठंडी हो गई है ना, तो इसे आप ही पियेंगे। अब्दुल भाई के लिए मैं मस्त पैकी गर्मा गर्म मसालेदार चाय लेकर आती। अरे नहीं नहीं माधु अभी थैंक यू। तो क्या है कि मुझे सबके घर पे जाना है, मीटिंग के बारे में बताना है, और क्या है ना मेरे दुकान पे कोई है भी नहीं, तो मैं चलता हूँ। ये भी नहीं पीऊँ? गरम नहीं चाहिए? हाँ चाहिए चाहिए, चला ही ठंडे जाले। नहीं ठंडे जाले, गरम कर गरम कर। क्या करे इस बार नवरात्रि में। दोस्तों गोकुल धाम की कोई भी मीठी ऐसी है जैसे कोई गाड़ी चल रही हो और उसका हर टायर अलग दिशा में जा रहा हो। अब आप सोचिए किसी भी गाड़ी के चारों टायर अलग अलग दिशा में चलेंगे तो गाड़ी का क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा। वही होता है गोकुल धाम की मीटिंग में, और ये तो तब है जब सामान्य परिस्थितियों में कोई मीटिंग है। लेकिन इस बार तो परिस्थिति असामान्य है, कोरोना काल है, और ऐसे में अगर मीटिंग होगी तो क्या होगा। ऐसे में भिड़े को मीटिंग करनी है नवरात्रि की तैयारियां करने के लिए। अब आप जानते हैं यहाँ जितने मुंह उतनी बातें, हर आदमी का अलग मत, अलग अभिमत, अलग अभिप्राय, और ऐसे में अगर ये मीटिंग होगी तो सोचिए कितने बर्तन बचेंगे और कितना हंगामा होगा। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हम सब बीच 5 बजे आ गए और भिड़ू का पता ही नहीं है। भिड़े अभी पहले जैसा रहा नहीं। हाँ थोड़ा मोटा हो गया, घर पे बैठे बैठे ना वजन बढ़ गया, ये मैं नहीं पहन सकता। तुम दूसरा लेके आओ। अरे मैं उसके बॉडी की बात नहीं कर रहा, उसके बर्ताव की बात कर रहा हूँ। पहले तो कैसे मस्त सबके पहले मीटिंग में हाजिर हो जाता था, आज भी इसके बटन अभी तक नहीं लगाया तुमने। दूसरा दे लौकर, नहीं सब रहा दिख रहे वहाँ पे। अंटे भिड़े आ रहा है, मतलब कहाँ से आ रहा है? घर के अंदर से ही। तो घर के अंदर से आने में इतना टाइम इसमें, तो जाओ जल्दी दूसरा लेके आओ अभी। फैशन परेड चल रही है माची। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।